हाल ही में बजाज कंपनी ने अपने चेतक को अपडेट किया है, इसमें टेक पैक नाम से एडिशन लॉन्च किया है। अभी अपने साथ में है इनका एक प्रीमियम एडिशन और प्रीमियम टेक पैक एडिशन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। टेक्निकली इन दोनों के बीच में मैं मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्क्रिप्ट की पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। लुक में दोनों ही स्कूटर जो हैं बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, हेडलाइट LED में DRLs मिलते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर LED में, बिल्ड क्वालिटी भी सेम है। चेतक की ब्रांडिंग, इधर ये चेतक की ब्रांडिंग, फ्रंट मडगार्ड बॉडी कलर में, फ्रंट सस्पेंशन भी सेम है। ये देखिए, और 12 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं दोनों ही वेरिएंट में, दोनों में ही डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ तक कि इनकी रेंज में भी कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब डिफरेंस कहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं बटन को प्रेस करता हूँ और इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है ये देखिए। और ये है टेक पैक वाला एडिशन ब्लू कलर में। इसके इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है। इसमें फुल्ली डिजिटल TFT डिस्प्ले मिलता है, जबकि इसमें ये देखिए फुल्ली डिजिटल इसमें भी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हैं अब मिल जाती हैं। ये देखिएगा, इसमें केवल और केवल एक ही मोड मिलता है इको, जिसमें चलेगा। और जो इनका टेक पैक एडिशन है उसमें स्पोर्ट्स मोड भी एड ऑन कर दिया गया है। टेक्निकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो टेक पैक एडिशन में हिल होल्ड मिल जाता है, रिवर्स मोड दोनों में ही मिल जाते हैं, सिक्वेंशियल ब्लिंकर्स जो हैं वो टेक पैक एडिशन में मिलते हैं ब्लू वाले में, ऐप की कनेक्टिविटी इसमें लिमिटेड मिलती है और इसमें फुल कनेक्टिविटी के साथ में है, कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दोनों स्कूटर में कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले एंड पॉज टेक पैक में कर सकते हैं, टर्न बाई टर्न नेविगेशन इसमें मिलता है, नोटिफिकेशन अलर्ट मिलते हैं ऑन क्लस्टर, ट्रिप डाटा एंड ट्रिप एनालिटिक्स कर सकते हैं, जियो फेंसिंग फीचर मिलता है और डिस्प्ले थीम भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ये सारे फीचर जो हैं एडिशनली वो आपको मिलते हैं टेक पैक एडिशन में। प्रीमियम एडिशन में यदि टेक पैक एडिशन लेंगे तो उसमें लगभग 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, वहीं दूसरी ओर यदि अर्बन में लेंगे तो उसमें 8,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा देने होंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं बिल्कुल दोनों में ही सेम है, लेकिन जो अर्बन वाला जो एडिशन है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि वाकई में टेक पैक एडिशन में एडिशनल दी गई हैं। जैसे कि मैं अर्बन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, लुक में तो दोनों ही स्कूटर जो हैं सेम हैं। स्टार्टिंग अर्बन की हो जाती है 1,15,000 रुपये से और टेक पैक एडिशन प्लस 8,000 और मानकर चलिए। अर्बन एडिशन की टॉप स्पीड है 63 की और जो इनका टेक पैक एडिशन है नया जो इन्होंने लॉन्च किया है उसकी 73 है। ड्राइव मोड उसमें भी नहीं मिलते हैं और टेक पैक एडिशन में स्पोर्ट मोड एड ऑन कर दिया गया है। और बाकी की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो दोनों में ही सेम है, प्रीमियम एडिशन और अर्बन एडिशन। प्रीमियम एडिशन की एक्सरूम प्राइस है लगभग 1,53,000, उसमें आप यदि टेक पैक एडिशन लेते हैं इनका नया वाला तो उसमें 9,000 और एड ऑन कर दीजिए। जो नया वाला एडिशन लॉन्च किया है टेक पैक एडिशन, इसका मैंने डेडिकेटेड वॉकराउंड किया है, राइड रिव्यू भी किया हुआ है, दोनों वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए फटाफट से देख लीजिए।